हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के विजिटर वीजा के रिलेटेड। और आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं थ्री अनदर ऑस्ट्रेलिया के विजिटर वीजा जो कि हमारे लास्ट डेज में अप्रूव होकर आए हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करने वाले हैं थ्री अनदर ऑस्ट्रेलिया के विजिटर वीजा। ये जो आप देख सकते हैं थ्री हमारे जो ऑस्ट्रेलिया के विजिटर वीजा है ये हमारे लास्ट डेज में अप्रूव होकर आए हैं। और जिसमें से कह सकते हैं अभी जो टू वीजे हैं वो यूके से हैं और एक वीजा कह सकते हैं वो पुर्तगाल से है। और अगर आप भी आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो हमने आपके सामने थ्री वीजे शेयर किए हैं और अब आप जो स्क्रीन पर देख सकते हैं फर्स्ट जो टू वीजे हैं ये हमने यूके से ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया था और ये जो थर्ड वीजा है ये हमने पुर्तगाल से ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया था। तो हमने लास्ट वीक हमने तकरीबन कह सकती हैं जो यूके से हमने फोर वीजे अप्लाई किए तो जिसमें से जो टू वीजे हमारे यूके से अप्रूवल आई है और टू वीजों की जो रिफ्यूजल आई है। हम आपको रियलिटी बता रहे हैं अगर आप यूके से ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीजा अप्लाई करना चाहते हैं आज के टाइम में इसकी जो 50-50% रिजल्ट है। तो काफी लोगों के मैसेज भी आते हैं जब उनकी रिफ्यूजल आती है अभी हमारा जो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ने हमारा जो वीजा रिफ्यूज किया है तो हमारे डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट थे, हमारा फंड भी अच्छा था, बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी थी, तो टोटली डॉक्यूमेंट्स हमारे कह सकते हैं जनरल थे तो फिर भी हमारी रिफ्यूजल आई है। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये कहकर रिफ्यूजल दी है अभी आप वहां से वापस नहीं आएंगे। तो आज के टाइम में ऑस्ट्रेलिया मोर देन 90% केस में यही कह रहा है भी आप वहां से वापस नहीं आएंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है ऑस्ट्रेलिया में आप जाकर स्टडी वीजा में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो बात है ये इमिग्रेशन को भी अब पता चल चुकी है भी लोग वहां से विजिटर वीजा पर आते हैं और यहाँ पर आकर उसे स्टडी वीजा में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग है, आपके पास डॉक्यूमेंट कम्प्लीट से जनरल है तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करते हैं तो उसके 50-50% चांस है। और अगर आज के टाइम में अगर आप न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई करते हैं उसका जो अप्रूवल रेट है वो काफी अच्छा है। और अगर आप किसी भी कंट्री से ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है, सबसे पहले अगर हम बात करें होलीडे लेटर, आपके यूनिवर्सिटी के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, आपके बैंक बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट्स, आपकी ईमेल, फोन नंबर, आपके पासपोर्ट की और पेज की फोटोकॉपीज, आपका आधार कार्ड, आपके फैमिली के आधार कार्ड और आपकी डिजिटल फोटोज और आपका जो फोन नंबर और ईमेल, अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है और आप जहाँ पर जॉब कर रहे हैं वहां से भी आप NOC लेटर या कह सकते हैं होलीडे लेटर आप ले सकते हैं। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट है तो आप ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के विजिटर वीजा के रिलेटेड कोई अनदर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।